दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल ने अज हिमाचल की एक चोन रैली दे विच दावा किया है कि पंजाब भ्रष्टाचार मुक्त हो गया है। उरे 300 यूनिट लोगों नूं मुफ्त बिजली मिलन लग गई है ते 25,000 नौकरी यूथ नूं दे दित्ती है। मैं अरविंद केजरीवाल साहब नूं चैलेंज करदा कि तिन्हां चों एक भी चीज पंजाब दे विच नहीं हुई ते एक संविधानिक अहुदे ते बैठ के लोगों नूं झूठ बोलन लिए तुहानूं जनतक तौर ते माफी मंगनी चाहीदी है। और दूजे पासे मैं पंजाब दे मुख्यमंत्री श्री भगवंत मान साहब नूं उन्हां दे 92 MLA नूं ते कैबिनेट नूं पंजाब दी असल तस्वीर दे नाल जाणू करवाना चाहुंदा कि जिद्दण दी आम आदमी पार्टी दी सरकार पंजाब दे विच बनी है उरे लॉ एंड ऑर्डर दी जिहड़ी स्थिति है वह पूरी तरह त्रस्त हो चुकी है। उरे खिडारियां दे ते पंजाब दे बशिंदियां दे कतल कीते जा रहे ने। किसानां दे वरंट कोऑपरेटिव दे महकमे वल्लों जारी कीते जा रहे ने। उरे गरीबां दा रोजगार खोया जा रहा है और जिहड़े नौजवान अपने हक्कां नूं लै के धरनियां ते बैठे ने 144 ला के उन्हां नूं धरनियां तों उठाया जा रहा है ते आम आदमी पार्टी दे वर्कर जिहड़े अपने मंत्री दे खिलाफ अपने हक्कां लई धरना दिंदे ने उन्हां नूं पार्टी दे विचों कढ़िया जा रहा है। इह पंजाब दे हालात ने। आम आदमी पार्टी ने कर्जे नूं लै के पंजाब दी बहुत बदनामी कीती कि 3 लाख करोड़ दा कर्जा पंजाब दे सिर है ते सच्चाई इह है कि मुख्यमंत्री बनदे सार भगवंत मान साहब 1 लाख करोड़ दा कर्जा मंगण लिए प्रधानमंत्री कोले गए। जिद्दण दी पंजाब दे विच आम आदमी पार्टी दी सरकार बनी है 1.5 महीने दे विच ही 5,500 करोड़ दा कर्जा लै चुकी है ते सारा इश्तेहारबाजी उत्ते खर्चिया जा रहा है। जिहड़े फोके ऐलान पंजाब दे विच कीते ने इन्हां दे वड्डे वड्डे इश्तेहार हिमाचल ते गुजरात विच लाए जा रहे ने। सो मैं बेनती करदा आम आदमी पार्टी नूं कि लोकां नूं झूठ बोलना बंद करो। थोड़ी असलियत लोकां दे सामने आ चुकी है। जिस तरीके पंजाब ठगिया गया हुण गुजरात नूं ते हिमाचल नूं ठगण दी कोशिश ना करो।